अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेसन नंबर 18 का लैंग्वेज पॉइंट नंबर 1 सीखेंगे। फिर से एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज पॉइंट जो आपको किसी भी सूरत मिस नहीं करना है। हर तरह से इसका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करना है। लैंग्वेज पॉइंट है द स्ट्रक्चर चियाओ चियो। ये लैंग्वेज पॉइंट क्या है? जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि अगर ये काम हो गया तो मैं ये काम करूँगा वगैरह वगैरह। पहले यहाँ पे दी हुई एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स देख के हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपने स्टॉप नहीं करना है, आपने कुछ सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करने हैं ताकि आइंदा आने वाले टाइम में भी आपको ये लैंग्वेज पॉइंट भूले ना। अगर आपने ख़ुद से सेंटेंसेस क्रिएट नहीं किए तो वक्ती तौर पे तो आपको फील होगा कि आपको ये भूलेगा नहीं, लेकिन बाद में गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में कुछ ख़ुद से सेंटेंसेस क्रिएट करके ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके सेंटेंसेस दुरुस्त हुए तो मैं आपकी हौसला अफजाई करूँगा, अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई तो मैं करेक्शन कर दूँगा। यहाँ लिखा हुआ है चियाओ चियो। चियाओ का मतलब होता है बस अगर, चियो का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है तो हम इसका मतलब कह सकते हैं बस अगर ये हो जाए तो ये हो जाएगा। इज़ यूज टू कनेक्ट द टू क्लॉजेज ऑफ अ कंडीशनल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंडीशनल क्या है? वही जो पहले पार्ट के अंदर शर्त रखी जाती है कि अगर ये काम हुआ तो ये काम होगा वगैरह वगैरह। विद चियाओ इंट्रोड्यूसिंग अननेसेसरी कंडीशन, यही यहाँ पे लिखा गया है कि चियाओ के साथ जो ज़रूरी शर्त होती है, कंडीशन होती है, वो बताई जाती है। एंड चियो फॉलोड बाय द कंसीक्वेंट रिजल्ट, और चियो के बाद वो नतीजा होता है जो कि उस शर्त के पूरा होने के नतीजे में कोई काम होना होता है। द सब्जेक्ट कैन बी पुट बिफोर और आफ्टर चियाओ। सब्जेक्ट को हम चियाओ से पहले और बाद में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इफ़ देर इज़ अ सेकेंड सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इट इज़ पुट राइट बिफोर चियो। बहुत सिंपल है, ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ जो ऊपर वजाहत मैंने की है कुछ लोगों को कंफ्यूज कर देगी, तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने सिर्फ एग्जांपल्स के ऊपर पूरा फोकस रखना है और इसी से आपका लैंग्वेज पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहली एग्जांपल है चियाओ वयो शिजिए, बस अगर मेरे पास वक्त हुआ तो जो ईदिंग कन्नी छो तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ ट्रिप पर जाऊँगा। बस अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ ट्रिप पर जाऊंगा। सेकंड नंबर पे हैं वट याओ सीहुआन, बस अगर मुझे पसंद आया जो इतनी हुए माए तो मैं ज़रूर ख़रीदूँगा। चियाओ और चियो को मैंने अंडरलाइन किया है ताकि आपका ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थर्ड नंबर पे है चियाओ नी सांग छु, बस अगर तुम जाना चाहो तो वो जो करनी छु तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बस अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। नंबर 4 पे ये आपके लेसन नंबर 18 के टेक्स्ट में से लाइन ली गई है। लिखा है चियाओ नी के वो माए, बस अगर आप मुझे ख़रीद दें वो जो नंग चाओ को हाओ था तो मैं ज़रूर इसकी अच्छे से देखभाल करूँगा। ये डायलॉग अगर आपने अच्छे से प्रॉपर स्टडी की हो तो आपको ये डायलॉग देख के याद आना चाहिए कि जब एक बच्चा किसी स्टोर पे जाता है और वहाँ पे डोकी को, छोटे डोकी को देखता है तो वो ख़रीदना चाह रहा होता है, लेकिन उसके मामा कहती है कि तुमने रिसेंटली अपने कपड़े तक ठीक तरह से वॉश नहीं किए तो तुम इसे कैसे देखभाल, इसकी कैसे ठीक तरह से कर पाओगे। तो बच्चा कहता है कि बस आप मुझे ख़रीद दें तो मैं ज़रूर इसकी अच्छे से देखभाल करूँगा। इसी लैंग्वेज पॉइंट को फॉलो करते हुए हमने ये खाली जगह पूर करनी थी जो कि मैंने आपकी आसानी के लिए पहले से हसब मामूल कर रखी हैं। तो आपने खाली जगह पूर करने के लिए सिर्फ नहीं देखना, चीटिंग नहीं करनी, बल्कि अपना कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर करना है। पहले नंबर पर एक कैरेक्टर कहता है
तो ता जा तो चम हवा कि तुम सब लोगों के साथ इतने अच्छे हो। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है, शी आ, हाँ वो जेदार ची या वो तो बेहन हाओ, मेरे ख्याल में बस अगर मैं दूसरे लोगों के साथ ठीक रहूं, अच्छा रहूं, बेहन जो हुए तो वो हाओ, तो दूसरे लोग मेरे साथ अच्छा रहेंगे। यानी आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा सलूक करते हैं, तो दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। दूसरे नंबर पे एक एक्टर कहता है, मामा नी लाए कौ मैं इच्छी वार वा कि आप हमारे साथ मिल के खेलें। तो बी कैरेक्टर यानी मामा कहती हैं, नीमन वारवा कि आप लोग खेलें, चिड़ियाओ नीमन वारडा काउसिंग, बस अगर आप लोग खेल के खुश हो जाएं वो जो खाई सिंग, तो मुझे इसी चीज़ में खुशी होगी। छोटे बच्चे अक्सर ज़िद कर लेते हैं पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स तो छोटे बच्चों के साथ बाज़ोकात खेलना वो इतना सूटेबल, इतना मुनासिब नहीं होता। तो ऐसे केस में आपको अंदाज़ा नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों को खेलता हुआ या हैप्पी देख के जो उनकी खुद की खुशी होती है उसकी कोई इंतहा ही नहीं होती। जब तक एक इंसान खुद ना उस लेवल पे पहुंच जाए उसे वो खुशी समझ में नहीं आती। तीसरे नंबर पे एक एक्टर कहते हैं, चिड़ियाओ नी नूली स्वेसी, बस अगर आप मेहनत से पढ़ाई करें, नीजो खई झमकूं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। बस अगर आप मेहनत से पढ़ाई करें तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो बी कैरेक्टर कहता है, लाओशे टीचर वो इतनी हुए नू लीदा, मैं ज़रूर पूरी मेहनत करूँगा, वो इतनी हुए नू लीदा। तो आप लोग भी पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन्स आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगे। ऐसा है तो बराए मेहरबानी मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।